ब्रह्मा कुमारी के 50वें वार्षिक उत्सव में शामिल होने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी समेत संस्था के आबू रोड स्थित मुख्यालय पर पहुंचे। कार्यक्रम का विषय था सशक्त समृद्ध और स्वर्णिम भारत की ओर। उपराष्ट्रपति ने यहां स्थित डायमंड हॉल में हजारों लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे यहां आकर बेहद खुशी हो रही है। मैंने ब्रह्मा कुमारी बहन भाइयों से जो ज्ञान सुना उसकी आज विश्व को आवश्यकता है। I share with him a platform of professionalism. और जो जीवन का सार इन्होंने हमें बताया, कम शब्दों में बताया, एक तरीके से वो गीता का सार है। This is an epicenter of our cultural values. यहां से प्रसार होता है भारतीय दर्शन का निचोड़, भारतीय दर्शन का सोच, विश्व कल्याण का विचार यहां से प्रसारित होता है। मानव कल्याण के लिए जरूरी है सच्चे मन से श्रद्धा रखें, एंड वी बिलीव इन आवर सब्लिमिटी, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, खुद के लिए नहीं सभी के लिए। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज अनपैरेलल्ड डायमेंशन एंड एग्जेम्प्लीफाइज द मोस्ट वैल्यूएबल एस्पेक्ट्स एंड वर्च्यूज नॉट ओनली ऑफ ह्यूमैनिटी बट ऑफ एंटायर लिविंग बींग्स on the planet. We have to develop a spiritual mindset. और मुझे प्रसन्नता है कि इस mindset को develop करने में in a geometrical manner ब्रह्म कुमारीज साधुवाद की पात्र है। Every member associated with this organization is authentic messenger of peace. यहां से मैं शक्ति लेकर जा रहा हूं कि राज्यसभा के हर सदस्य को मैं प्रेरित करूंगा, उनसे अनुशंसा करूंगा कि उनका व्यक्तिगत आचरण, उनका सामूहिक आचरण भारतीय सिद्धांतों को दिखाए और आम जन के लिए अनुकरणीय हो। इस मौके पर एडिशनल चीफ बीके जयंती, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, ज्वाइंट चीफ बीके मुन्नी, संस्था के मीडिया चीफ बीके करुणा समेत सभी बीके सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति को हार, पगड़ी, शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मधुरवाणी ग्रुप ने उपराष्ट्रपति पे विशेष गीत पेश किया तो इंदौर हॉस्टल की कुमारियों ने ग्रुप डांस कर उपराष्ट्रपति का वेलकम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पीस न्यूज़।